अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे सामने बैठे हुए हैं फरद तुनान साहब और इनको मिला है इनडेफिनेट लीव फ्रॉम मी। दिखाएं कार्ड, ये देख सकते हैं सेटलमेंट लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि किस बेस पर इनको मिला है, और ये भी आज आपको बताते हैं, इनको मिला है डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर। जी हाँ, इनका वीजा एक्सपायर हो रहा था 2 साल पहले, और इनकी जो वाइफ थी उन्होंने इनको कहा कि जी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम्हें मैं एक्सटेंशन नहीं दिलवाऊंगी। ये बेबस थे क्योंकि इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, ये किसी के साथ बात नहीं कर सकते थे और कोई चारा इनके पास नहीं था। ये चंद सोलिसिटर्स के पास गए, सोलिसिटर्स ने इनको कहा कि जी नहीं, तुम्हारा केस नहीं हो सकता, तुम्हारे पास तो एविडेंस भी नहीं है कि तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तुम्हारे पास तो एविडेंस भी नहीं है कि तुम अपने वाइफ के साथ रह रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये एप्लीकेशन नहीं हो सकती। ये मेरे पास आए और हमने भरपूर मेहनत की इस केस पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठी की और इनको इनका एप्लीकेशन हमने सबमिट किया। ये 1.5 साल पहले की बात है, हमने एप्लीकेशन सबमिट की और अनफॉर्चुनेटली पिछले साल के स्टार्ट में इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई। ये भी काफी मायूस थे मेरे से कि यार कमरान भाई ये क्या हो गया, ये तो हमें मिलना चाहिए था इंडेफिनिट। और मैंने इनको समझाया कि हिम्मत मत हारे, जो ऑब्जेक्शन होम ऑफिस ने लगाई है ये कुछ भी नहीं है, हम दोबारा अप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा। जून 2022 में इमरान हमने एप्लीकेशन दोबारा सबमिट की डोमेस्टिक वायलेंस बेस पर, और आज इनका कार्ड इनको मिल गया, इनको इनडेफिनेट लीव फ्रॉम मी मिल गया। फरद, आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड थैंक्स टू यू फॉर योर ग्रेट एफर्ट्स, फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। और जो जहाँ तक मेरे इंडेफिनेट की बात है, मेरी वाइफ, जैसे कि कामरान भाई ने बताया कि वो सपोर्टिव नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल ही मुझे जो ना अलूफ कर दिया, अलग कर दिया कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करने वाली हूँ और मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूँगी। मैं इतना मायूस हो गया और इतना परेशान हो गया, फिर मैंने बहुत सारे वकीलों से बात करने की कोशिश की और कोई भी मेरे केस को डेड केस समझ के कोई भी वकील जो ना केस लेने को तैयार नहीं था। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे कामरान भाई का बताया कि जो ना ये बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं और ये जो ना आपका काम कर देंगे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन ये है कि ये डेफिनेटली काम कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हिस्ट्री तो आपने जो ना कामरान भाई ने आपको सब बता दी है, तो फिर ये इसके साथ साथ जो ना मतलब इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा कोशिश से, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इंडेफिनेट वीज़ा मिल चुका है। आई एम सो हैप्पी, थैंक्स टू कामरान भाई, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आप में से किसी का भी कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल मसला जो ना वो होता नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि आप मुश्किल में, आपका काम नहीं हो सकता, तो क्विकली कॉन्टेक्ट टू मिस्टर कामरान एजाज एंड ही विल हेल्प यू आउट ऑल ऑफ योर मैटर्स। थैंक यू। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इनका डोमेस्टिक वायलेंस बेस पर हुआ है। तो मर्दों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, खवातीनों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपके पास एविडेंस नहीं भी है, जिनके पास नहीं भी थी, फिर भी हमने इनका इंडेफिनिट करवा दिया। यस, दैट वाज इम्पॉसिबल। और मेन चीज ये है, जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में भी अर्ज किया था, सोलिसिटर को मेहनत करनी होती है। सोलिसिटर जितनी मेहनत करेगा उतना ही चांस होगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। सो गाइस, देयर यू हैव इट, इंडेफिनिट लीव फ्रॉम मी ऑन डोमेस्टिक वायलेंस बेसिस। थैंक यू फरद, थैंक यू सो मच ट्रस्ट का, एंड थैंक यू ऑल फ्रेंड्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।